पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रमीज राजा ने अपने बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल असेंबली कमेटी यानी कि राष्ट्रीय सभा समिति को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने बताया है कि वह सुरक्षा के कारणों से बुलेट प्रूफ गाड़ी से यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा है कि वह बुलेट प्रूफ वाहन का उपयोग करते हैं। साथ ही अध्यक्ष रमीज राजा ने बताया है कि वह पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष को मिलने वाले भत्ते के अलावा किसी भी तरीके का कोई अन्य खर्च पाकिस्तान बोर्ड से नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को मिलने वाले रोजाना के भत्ते साथ ही यात्रा के खर्चे को उपयोग करते हैं, जो कि नियमों के अंदर आता है। इसके अलावा उन्होंने किसी भी तरीके के अन्य सुविधा का लाभ नहीं लिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने साल 2021 सितंबर के महीने में अध्यक्ष पद को संभाला था। इसके बाद से वे लगातार टीम के साथ और बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं और अब सूत्रों की माने तो पाकिस्तान बोर्ड के तमाम अधिकारी कर्मचारी भी रमीज राजा के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। खबर है कि रमीज राजा के चेयरमैन बनने के बाद काफी लोग खुश हैं और उनके चेयरमैन बनने के बाद भी टीम और साथ ही बोर्ड को बहुत कुछ मिला है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि रमीज राजा ने समिति के सदस्यों से कहा है कि वह सुरक्षा के कारणों की वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ी का उपयोग करते हैं। उन्होंने समिति को बताया है कि वह दैनिक भत्ते, होटल और यात्रा के खर्च का उपयोग करते हैं और उन्होंने अभी तक इसी का ही उपयोग किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब समिति के सदस्यों ने रमीज राजा को अगली बैठक में एजी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि साल 2021 सितंबर में उन्होंने कार्यभार संभाला। इसके बाद से बोर्ड के अधिकांश सदस्य उनसे खुश हैं और सभी ने संतोष व्यक्त किया है। साथ ही टीम के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की भी सराहना की है और रमीज राजा के काम को भी सराहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त T20 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की ICC रैंकिंग में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। साथ ही टीम टेस्ट मैच में 5वें स्थान पर है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।